नमस्कार। आज यहाँ बात करेंगे हम सेक्टर 95 अवाना की। अवाना 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 देखिएगा, अपने आप में एक लैंडमार्क, जो कि लैंडमार्क कंपनी का और नाम भी लैंडमार्क है और वैसे भी लैंडमार्क बन जाए। तो ये अवाना सेक्टर 95, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, जो लोग चाहते हैं कि अपना खुद का प्लॉटिंग लेके उसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो ऑप्शन है। जो अपना अगर लो राइज अपार्टमेंट अगर लेना चाह रहे हैं, लो राइज फ्लोर लेना चाह रहे हैं, उसका भी एक ऑप्शन। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले पहले हमारे पास चल रहा था स्टील प्लस 4 फ्लोर का, लेकिन उसके ऊपर अभी रोक लगी, तो अब आ गया एक ऑप्शन स्टील प्लस 3 फ्लोर का। स्टील प्लस 3 फ्लोर का एक बेहतरीन ऑप्शन और साइज भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपकी लवाना लैंडमार्क का जो प्रोजेक्ट है, इसकी पूरी आपको कनेक्टिविटी बता देता हूँ, और मैं ये भी बताऊंगा यहाँ पर हमें किसको लेना चाहिए और कहाँ हमें एंट्री करनी चाहिए। देखिए, जो लोग यहाँ चाह रहे हैं कि एंड यूजर है, जो यहाँ पर अपना रेजिडेंस बनाना चाह रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत अफोर्डेबल कीमत के ऊपर और लोकेशन वाइज भी बहुत बेहतरीन और कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतरीन, लो राइज डेवलपमेंट ये अपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको प्लॉटिंग भी, दोनों ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो नेशनल हाईवे नंबर जो 8 है, उससे सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर, आपको पता है कि सीधा यहाँ से जो मेन रोड है और वहां से सीधा NH 8 से जाए। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर पूरा सभी न केवल गुड़गांव वासियों की बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की नजरें हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सड़क कनेक्टिविटी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये भारत सरकार का आ रहा है, और इससे कनेक्टिविटी बहुत बेहतर यहाँ से विद इन, ये मान लीजिए कि हार्डली 3 से 5 मिनट का समय लगेगा और सीधा कनेक्ट हो रहा है। ये जितने भी जो, इसी सेक्टर की बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जैसे जो न्यू गुड़गांव, उसके सभी सेक्टर्स की कनेक्टिविटी यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से है, और इजी कनेक्ट मतलब जो जाने का और इजी टू अप्रोच है। और दूसरा, इसके जस्ट आपने देखा होगा कि जो सेक्टर 95 है उसके बगल में आ गया IMT, IMT का एरिया आ गया, और फिर थोड़ा सा बैक में चलेंगे तो पटौदी रोड, पटौदी रोड जो ओल्ड पटौदी रोड था, वो जो 95 सिग्नेचर आपने देखा होगा, सिग्नेचर ग्लोबल के जस्ट सामने वाला, और एक अभी नया रूट और तैयार हो रहा है पटौदी रोड का, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है रेलवे स्टेशन के बैक साइड से, तो उससे भी यहाँ पर विद इन ये मान लीजिए हार्डली 1 मिनट का रास्ता है, 800 मीटर के करीब यहाँ पर डिस्टेंस रह गया। और जो लैंडमार्क है, इसके बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी थोड़ा सा मैं एक बार नजर डाल लेता हूँ। 2007 में ये जो कंपनी है ये स्टार्ट हुई थी, और अब तक के कई प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर कर चुकी है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट पे जाने से पहले उसकी ट्रैक ट्रैक हिस्ट्री को जरूर जान ले, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ। और मैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में मुझे तसल्ली होती है, जिसके बारे में मैं रीड आउट कर चुका हूँ, स्टडी कर चुका हूँ। देखिएगा, जो इसका अभी तक की जितनी डिलीवरी दी है विद इन टाइम पीरियड दी, और जो कमिटमेंट किया गया था अपने कस्टमर्स के साथ में, वो फुलफिल किया, जिसकी वजह से एक भरोसा बनता है। क्योंकि अपने यहाँ पर पैसा लगाना इजी है, लेकिन उस पैसे का सही यूटिलाइज, देखिएगा, आप अगर हमारे ऊपर विश्वास करके आप काम कर रहे हैं, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट करवाइज है वो एक सही लोकेशन पे सही आपको गाइड मैं उस चीज का जितना हो सकता है उतना बेहतर तरीके से उसको करूँ। और इस जो प्रोजेक्ट है, इसने अभी तक सेक्टर 81 का, सेक्टर 123 में लैंडमार्क बिजनेस सेंटर यहाँ पर आया, उसके बाद साइबर पार्क 67 आया, तो ये तमाम प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स थे, सफल प्रोजेक्ट वो इसके आ चुके। और यहाँ पर ये जो अवाना प्रोजेक्ट आया लैंडमार्क का, इसके ऊपर मीडियम साइज रखा हुआ है,
देखिएगा यहाँ जो आपने देखा होगा इसका जो टिकट साइज है वो 155 स्क्वायर या 155 गज का रखा हुआ है। अब 155 गज दोनों तरीके से बेहतर है। मैं जो एक मीडियम कंसेप्ट चाहता है, जो मीडियम बजट के अगर आप कोई इन्वेंट्री चाहते हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड साइज है। और पूरे इस जो लोकेलिटी में है 22 एकड़ के अंदर, लगभग 22 एकड़ के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट है और सारे के अंदर सेम साइज रखा हुआ, सेम कैटेगरी। ये नहीं कि कहीं पर छोटा आ गया उसके बाद में कहीं पर बड़ा आ गया। छोटे और बड़े साइज दोनों मिक्सअप होते हैं, तो उसमें कुछ एक लोकेशन आती है कि जो बड़े प्लॉट है या फिर बड़े साइज के जो अपार्टमेंट्स है वो छोटे के फेसिंग के नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फिर उससे अलग लोकेशन में, तो वहां पर एक भेदभाव की स्थिति सी पैदा हो जाती है। तो वो चीजें इसमें नहीं देखने को मिली। कंप्लीट अगर आप एंड यूजर है तो उसके लिए एक बहुत बेहतर और एक्यूरेट लोकेशन मैं मानता हूं कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट या फिर इसमें आपको लेना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी लोकेलिटी आप चाहे इसमें अपार्टमेंट 3 BA जो 3 फ्लोर के जो अपार्टमेंट है उसमें एंट्री करें या फिर आप प्लॉट्स में जाए, आप अपना खुद का कंस्ट्रक्शन करें तो वो भी 155 स्क्वायर यार्ड का रहेगा। तो मीडियम रेंज में और एक सिमिलरिटी हो नहीं, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे यहाँ पर लगा। दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि जो स्टील प्लस 3 फ्लोर का एक है उसमें बेसमेंट भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप बेसमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि 3 ऑफिसेज यहाँ पर आप कर सकते हैं, अपने अपने ऊपर अपार्टमेंट और नीचे उसका ऑफिस के लिए यूटिलाइज करें। और जो अपना खुद का कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, और या फिर कई लोग ऐसे भी हमसे जुड़े हुए हैं जो अपने बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट लेके आना चाहते हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि देखिएगा ठीक है, उसके लिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है इससे बेहतर मेरे को वाटिका लगा, क्योंकि वाटिका मेन द्वारका के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर है। और वहां पर क्या होता है कि जो ग्रोथ वहां मुझे लग रही है वाटिका की, उसके एज कम्पेयर टू यहाँ पर अगर एंड यूजर है पीसफुल लाइफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा पोल्यूशन ना हो, ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो फिर एंड यूजर के लिए लवाना इज द बेस्ट। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो फिर वाटिका इज द बेटर, इससे मच बेटर है, क्योंकि हर कोई रेट्स जहां पर बढ़ने की चांसेस होती है वो होती है रोड के ऊपर। जितना द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आप देखेंगे तो फिर उसकी रेट बढ़ने की उम्मीदें कहीं ज्यादा इसकी अपेक्षा होगी। वैसे तो नो डाउट कि जो आने वाले 5 साल में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो आपके बजट अगर वहां पर अलाउ नहीं करा तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और अगर आप एंड यूजर हैं तो आप इसको प्रेफर करिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप उस प्रोडक्ट को देखिएगा। और दूसरा है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 750 के करीब फ्लोर इस पूरे प्रोजेक्ट में आ रहे हैं और 22 एकड़ के अंदर, तो काफी एक अच्छा। और बीच में यहाँ आपको पार्क और ये सारी सुविधाएं आपको इजी मिलती है। और जो इसमें 2 साइजेस दिए हुए, एक है 3 BHK 2 वॉशरूम के साथ में, और एक साइज आता है वो 3 BHK+ 3 वॉशरूम। थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारा सिमिलर है और कोई इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है आपको जज करने का। थोड़ा सा रेट वाइज भी हल्का सा डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ एक वॉशरूम का थोड़ा सा है, उसमें 3 BHK+ 2 वॉशरूम और इसमें 3 BHK+ 3 वॉशरूम आ गया। और कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी, ऑन रोड इस समय पटौदी रोड से और उससे जो अपना नेशनल हाईवे 8, द्वारका एक्सप्रेसवे, IMT, इन सभी का सेंटर पॉइंट ये बन रहा है। और रोड्स यहाँ पर सारी की सारी 9 मीटर की रोड दी हुई है। अभी ये हाल ही में लॉन्च हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि बड़ा जल्दी यहाँ पर बहुत जल्दी ऑक्यूपेंसी हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी इसकी डिमांड। तो आप अपना अगर लो बजट का चाह रहे हैं, यानी कि न्यू गुड़गांव के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अफोर्डेबल कीमत पे आए, तो ये नियर अबाउट आज के अगर मैं रेट की बात करूँ तो जो प्लॉट है उसका रेट 85,000 रुपये गज, और अगर उसमें अपार्टमेंट्स में जाएंगे तो आपको 1 और 110 के बीच में आज का ये रेट आपको मिलता है। और डिलीवरी आपकी बहुत जल्दी इसमें काम शुरू हो चुका है, और उसके बाद में आप इसकी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो लास्ट है वो
जल्दी इसके विद इन 8-9 महीने के टाइम में आपको पोजेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, जो अगर आप फ्लोर के उस पर जाते हैं तो आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। लवाना का कोई डाउट नहीं, 1% भी यहाँ पर डाउट करने की आवश्यकता नहीं, जो कमिटमेंट आपसे किया वो आपको कंप्लीट करके देंगे। और ओपन टू स्काई बेसमेंट का जो एक कंसेप्ट है उसमें आपको ओपन टू स्काई का भी एक मिल रहा है। लास्ट में जो इसकी क्वालिटी है, बिल्डर की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, जो पुराने इनके प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर जाए तो मैंने खुद जाके पर्सनली देखा तो बहुत बेहतर, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अभी तक शिकायत नहीं आई और उम्मीद करता हूँ आगे भी नहीं आएगी। क्योंकि देखिएगा एक चाहे अगर जो इसके प्रोजेक्ट लॉन्चर है तो वो भी अगर देख रहे हो तो, क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो अपनी बहुत मेहनत की कमाई होती है, अपनी सारी जिंदगी की कमाई, और आपके पॉइंट्स के ऊपर, आपकी वर्डिंग के ऊपर लगाता है, तो आप भी उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा जो अभी तक आपने कमिट किया, अभी तक जैसे प्रोजेक्ट आपने डिलीवर किए और ये भी डिलीवर होगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, सोचने का टाइम नहीं है, आप ज्यादा सोचना, एक मैंने आपको बता दिया 1 से 1.5 के बजट में अगर आप जाना चाहते हैं, प्लॉटिंग में जाना चाहते हैं आप प्लॉट में लीजिए, 155 गज का प्लॉट है, और अगर आप इसमें फ्लोर सिस्टम पे जाना चाहते हैं तो इससे बेहतर और एक नॉमिनल रेट्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट बहुत, मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। और अभी तक मेरे पास हर रोज की इसमें काफ़ी अच्छी बुकिंग चल रही है, जो लोगों का कस्टमर्स का जो अभी हमने देखने को मिला है, इसके रिगार्डिंग जो क्वेरीज आ रही है या फिर इसके रिगार्डिंग जो लोगों के जो विचार है उनको हमने देखा तो उसका एक अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ अगर आप गुड़गांव के अंदर अगर आप अपना रेजिडेंस के हिसाब से लेना चाह रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई लोकेशन देना चाह रहे हैं तो आप मुझे जो नंबर दिया हुआ उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करें। और देखिएगा जो न्यू गुड़गांव है, नो डाउट यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जितना देरी करेंगे उतना थोड़ा सा हमें यहाँ पर आने वाले टाइम में एप्रिसिएशन ही रहेगा प्रॉपर्टी के अंदर, और सब कम होने का तो मुझे कोई चांस इसमें लग नहीं रहा, क्योंकि डे बाय डे ऑक्यूपेंसी हर जगह बढ़ती जा रही है और हर एक का रुझान है आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स का। मैं बेसिकली बात करता हूँ हरियाणा, राजस्थान, यूपी, और जो हमारे ज्यादातर कस्टमर है हिसार, फतेहाबाद, टोहाना, नरवाना, जींद, कैथल, सिरसा और भिवानी, चरखी दादरी, ये जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे। हिसार में काफी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और यहाँ पर और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट कि हिसार में किसी प्रकार की कोई कमी है, बहुत बेहतर रिस्पॉन्स अभी तक मिला है। और यहाँ पर यहाँ एक थोड़ा सा फर्क ये है कि आपको हर एक बजट की एंट्री आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि आप अगर 45-35-40 लाख रुपए से आप शुरुआत करते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पर इजीली हो जाती है, और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शंस बहुत है। और दूसरा कि फ्यूचर जो है वो आपको यहाँ का ब्राइट फ्यूचर है। देखिएगा प्रॉपर जो न्यू गुड़गांव है उसको जो प्लान किया हो, वेल प्लान्ड सिटी में से एक ये न्यू गुड़गांव बनेगा। अभी तक आपने चंडीगढ़ को देखा होगा, हमेशा सुनने में आता था कि चंडीगढ़ वेल मोस्ट प्लान्ड सिटी, और उसकी जो उसको जो डिजाइन किया हुआ, उसका जो आर्किटेक्ट था वो बहुत बेहतरीन था, और उसी प्रकार से उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट जो इसमें गुड़गांव के अंदर और न्यू गुड़गांव के अंदर जो आ रहा है वो सारी चीजों को, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर आपके स्कूलिंग, आपकी शॉपिंग मॉल्स, आपके जो कॉमर्शियल मार्केट रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, आपकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कहाँ पर रहेगा। देखिए आईएमटी क्यों इतना फेमस हो रहा है, क्योंकि आईएमटी में यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी कंपनीज है उनका जितना भी माल, देखिए पहले दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज होती थी, उसको शिफ्ट किया गया आउटर में, और ये मानेसर गुड़गांव उसमें बढ़ना शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि अब जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर और जितनी भी डेली रूटीन की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो एंट्री, जो वो माल की ढुलाई है वो डायरेक्ट दिल्ली या गुड़गांव के अंदर ना होके
थोड़ा सा आउटर में होती है, और वो आईएमटी के इस क्षेत्र में, यहाँ पर गोडाउन्स का एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जो अपना रेंटल इनकम के लिए, जो लोग चाहते हैं कि मुझे रेंटल इनकम लेना, मुझे अपना एक गोडाउन लेना है, तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको मिलेगी, गोडाउन भी आप लीजिएगा, उसमें भी अप्रिसिएशन मिलेगा और आपको एक रेंटल इनकम भी आएगी। इसके बाद में एक दो प्रोजेक्ट और मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में, जैसे कि भिवाड़ी के एक ऑप्शन आएगा, जो हमारे साथ में बेसिकली मेरे साथ जो बीएसएफ के, जो आर्मी के जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आऊंगा, जहां पर आप को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी रियल एस्टेट के बिजनेस में भी कैसे आप आ सकते हैं, और यहाँ पर आप अगर राजस्थान से है तो वहां पर मैं आपको वहां का प्रोजेक्ट बताऊंगा, और वहां पर आप किस तरीके से एंट्री करें, वहां पर किस तरीके से, क्योंकि मैं भी बेसिकली बीएसएफ में था, और वहाँ के हमारे और जो मेरे साथी हैं सुरेंद्र भाई, वो आर्मी से थे, और हम चाहते हैं कि मैंने देखा था वहाँ पर कि किस तरीके से हम थोड़ा सा लैग कर रहे थे कहीं ना कहीं, और अब आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जिसके माध्यम से आपको अपडेटेड रहते हो, और यहाँ पर काम की चीज़ें देखा करो, सोशल मीडिया पे हम पैसा लगा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, डाटा के ऊपर हम हमेशा पैसा दे रहे हैं, है ना, तो उसका एक सही यूटिलाइज कर अपने बिजनेस बढ़ाए, अपना काम धंधा बढ़ाए, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। और इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा मैं लाइन आउट हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए मैं दोबारा से इस कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर जो आपको दिया था मैंने अभी तक का, जो मैंने आपको बताया कि प्लॉटिंग प्लस आपको फ्लैट, लो राइज फ्लैट अगर आप चाह रहे हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसमें सेमी फर्निश्ड आपको मिलेगा, जो किचन वगैरह वो आपको मॉड्यूलर किचन और ये सब कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एयर कंडीशन, एसी वगैरह की भी सुविधा यहाँ पर आपको बिल्डर की तरफ से मिलेगी, और हम यहाँ के इसके इस प्रोजेक्ट के और चैनल पार्टनर है, और जो भी इसके बारे में अपडेट आप चाह रहे हैं, जो भी अपडेट्स आप लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको विजिट करना होगा। आप एक बार जो मेरा नंबर नीचे दिया हो उसके ऊपर आप संपर्क करेंगे, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और यहाँ अगर आप गुड़गांव से बाहर के हैं, आप हिसार, भिवानी, फतेहाबाद किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप आने से पहले एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपका स्लॉट यहाँ पर बुक कर पाऊँ, और आपको इजीली, क्योंकि एक दिन जब आप निकाल कर आएंगे, इतनी दूर जब आप आ रहे हो, तो मेरा जिम्मेवारी बनती है कि आपको पूर्ण रूप से तसल्ली, न केवल एक प्रोजेक्ट के ऊपर, बल्कि आपके बजट के अंदर आपके जितने भी 2-3-4 ऑप्शंस मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पे आपको लगे कि हाँ, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, जो मैंने आपको पैसा यहाँ पर लगाया है, वो मेरा उसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। देखिएगा, आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है इस लाइन में, ट्रस्ट, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट करते हो हमारे ऊपर, और आप एक विश्वास करके हमारे पास आते हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपको एक बेहतर, मेरा कोई भी कस्टमर को जोड़ने का, किसी भी क्लाइंट को जोड़ने का उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं उसको कभी भी एंड यूजर मान के उसको प्रॉपर्टी नहीं दिलवाता। मेरा मेन कंसेप्ट रहता है, मेरा मेन कंसेप्ट रहता है कि मैं जो भी मेरे साथ जुड़े, और वो लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए अगर आप एंड यूजर है तो आप मेरे को और 10 कस्टमर को रिकमेंड करेंगे कि जी आप यहाँ पर जाए, और अभी तक किया भी है। और अगर आप इन्वेस्टर है तो मुझे भी पता है कि भाई आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, और हम आगे से आगे एक, क्योंकि ये जो लाइन है रियल एस्टेट की, जो लाइन है ये कभी भी कोई भी व्यक्ति अकेला कभी नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी आप देख रहे हो, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का नाम लेके देखिएगा, वो जैसे कंपनी नाम ही कंपनी हो गया, तो एक कंपनी ही बना के यहाँ पर काम किया जाता है। जो लोग छोटे पूंजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ कि गुड़गांव एक ऐसे सिटी है जहां पर आपको छोटे बजट से लेकर और बड़े बजट तक की सभी के लिए एंट्री यहाँ पर अवेलेबल होती है, सभी के लिए कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। और एक चीज मन से निकाल दीजिए हमेशा के लिए कि मैं फ्लैट के ऊपर नहीं जाऊंगा, या फ्लैट हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ये मैंने आप अभी तक देखा था, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी जिस टाइम बिल्डर फ्लोर का कंसेप्ट शुरू नहीं हुआ था, हिसार में जब ये शुरुआत की थी किसी ने बिल्डर फ्लोर की,
और फर्स्ट टाइम जब बन रहे थे तो मैं लोगों के विचार सुन रहा था, बोले हिसार में और बिल्डर फ्लोर कौन लेगा, हाँ अपना घर तो अपना घर होता है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, ये सारी जो थ्योरीज थी, जो पुरानी थ्योरी थी, उससे निकलकर लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिया। तो नो डाउट कि फ्लैट या फ्लोर कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं, बस इश्यू होता है कि आपका बजट क्या है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीजें अवेलेबल होंगी। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन आप करना चाह रहे हैं, आप बैंक से अगर आपको कोई लोन के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए हमारी टीम, हमारी जो सपोर्ट है वो 24 आवर्स आपके साथ में रहेगी। और रेट्स वगैरह मैंने आपको आइडिया दे दिया, बिल्डर फ्लोर का जो रेट है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये चीजें रहेगी, यहाँ पर आपको टाइम जरूर मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और शॉर्ट पीरियड आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस एंड यूजर दोनों का मैं कंसेप्ट यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कोई क्वेरी आपकी है तो आप आए, जब तक आएंगे नहीं, जब तक आप ग्राउंड में घूमेंगे नहीं, तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आपको संडे का, सैटरडे संडे का अगर प्लान कर रहे हैं, आप आने का विचार कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 दिन पहले आप अपना बताइएगा कि भाई हमें संडे को आना है, ताकि मैं आपके लिए आपके जो बजट की चीजें वो आपके लिए निकाल के रखूं, और आपको आते ही टाइम वेस्ट ना हो, सीधा आपके जो पॉइंट मतलब की चीजें वो आपको मैं दिखा पाऊं। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपने पूछना हो, तो आप बेधड़क मुझे फोन कीजिए, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, और आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की मेरी कोशिश रहेगी। मिलते हैं। हाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब देखो करोगे तो आपको ही फायदा है, क्योंकि जो भी अपडेट आ रही है, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और ये पता नहीं कि आप अगर आज वीडियो देख रहे हैं कौन सा प्रोजेक्ट आपको क्लिक कर जाए और किस प्रोजेक्ट से आपकी किस्मत बदल जाए। ऐसा भी होता है कि एक ही प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया और वही आपकी जो लाइफ है उसको चेंज करने की पावर होती है। इतनी शक्ति है रियल एस्टेट के बिजनेस में, ये बहुत पावरफुल गेम है। इससे अभी तक बेहतर और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि कोई, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और जो आपके जानकार हैं, जिनका ये बजट है, जो अभी तक विचार ही कर रहे हैं, उन तक इसको शेयर करो, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हो। इस जो आप तक जो चीजें पहुंचाई जा रही वो आपके साथी तक भी पहुंच के। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।